राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर मैं पंडित अरविंद तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कुछ घटनाक्रम ऐसे घटा कि मुझे किसी जागरण का निमंत्रण मिला, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। बात बहुत कम लफ्जों में समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप समझ गए तो। देखिए, कोई भी धार्मिक चित्र होता है वह पहले तो सीधा सीधा बृहस्पति ग्रह के साथ जुड़ा है, क्योंकि देवताओं का वह चित्र है। अब हर देवता किसी न किसी ग्रह का पूजनीय देव है। जैसे कि बात करें बृहस्पति देव के जो पूज्य ग्रह हैं, वो ब्रह्मा जी हैं, भगवान श्री विष्णु जी सूर्य ग्रह के पूज्य देव हैं। तो ऐसे ही सभी ग्रहों के अलग अलग पूज्य देव हैं। जब हमारे घर में या हमारे सामाजिक दायरे में या हमारी सोसाइटी में या हम कई बार मिलकर मोहल्ले वाले, ग्राम वाले यानी के गांव वाले, नगर वाले कोई आयोजन करवाते हैं, धार्मिक आयोजन, उस पर जिस भी देवी देवता के साथ संबंधित वो धार्मिक आयोजन है उनका चित्र बना होता है, ठीक है। तो उनका चित्र बना होता है, उसके बाद में निमंत्रण पत्र छपाए जाते हैं, इनविटेशन कार्ड्स, और जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं या जो आपको लगता है जिनको निमंत्रण देना है उनको वो वितरण किए जाते हैं। आपके मन में तो उस देवी देवता की जिसका की धार्मिक आयोजन है पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है, आप तो नहीं कोई गलती करेंगे, लेकिन आपने अपने भोलेपन में अपने उस देवता का जो चित्र किसी को निमंत्रण पत्र के रूप में दिया है, क्या वो है उतनी कदर करेगा? क्या निमंत्रण पत्र पर जिस भी देवी देवता का हम धार्मिक आयोजन करवा रहे हैं उनका चित्र लगवाना जरूरी है? देखिए, एक बात को समझिए, पुरातन सभ्यता में भी धार्मिक आयोजन किए जाते थे, लेकिन उस समय महानगरों का इतना झंझट ही था। उस समय किसी ढोली को बुलाकर ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि आज फला फला घर में या फला फला नगर में, फला फला मोहल्ले में या फला फला मंदिर में ऐसा ऐसा धार्मिक आयोजन है, कौन इसको करवा रहा है, कौन यहां पर आ रहा है, कौन उसको करेगा, सबका विवरण दिया जाता था। जो ढिंढोरा पीटने वाला होता था वो नगर के मध्य या मोहल्ले के मध्य बड़े बड़े पेड़ लगे होते थे बरगद के, उनके नीचे ढोल पीटता था, फिर उसके बाद वो सारा विवरण बोल के बताता था। इसमें क्या होता था, किसी भी देवी देवता का चित्र या मंत्र किसी भी निमंत्रण पत्र पर नहीं छपा होता था, जिसके कारण कोई ऐसी बेकदरी नहीं होती थी हमारे पूज्य देवी देवताओं की। लेकिन आज के समय में जैसा कि आप इन चित्रों में देख रहे हैं, धार्मिक देवी देवता जो हमारे हैं उनका बाद में दुर्दशा होती है। जैसे कि फ्लैक्स किसी ने लगा दी तो फ्लैक्स बाद में जाएगी कहां, कबाड़ में जाएगी या पैरों में गिरेगी। धार्मिक कोई कार्ड, कोई निमंत्रण पत्र है आपने दे दिया, वो क्या करेगा, जिसको दिया आपके वो धार्मिक आयोजन में आ गया, लेकिन उसके बाद वो कबाड़ में फेंक दिया जाएगा। अब जो भी चीज कबाड़ में जाती है एक किस्म से वो राहु के सपुर्द हो जाती है। अब कई लोग सड़क पे भी निमंत्रण पत्र फेंक देते हैं, कोई कूड़े के ढेर में पहुंच जाते हैं, ठीक है जी, कोई ऐसे ही कोई चीज उसके ऊपर देवी देवता के चित्र के ऊपर रख के खा लेता है। तो अलग अलग बुद्धि के लोग हैं, लेकिन आप अपनी भोली शख्सियत में ऐसी कोई भी गलती ना करें जो आपको नुकसान दे। अब इन निमंत्रण पत्रों में किस देवता का चित्र लगा हो और आपका कौन सा ग्रह खराब हो जाएगा, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। अब पहले निमंत्रण पत्र की बात करें, अगर किसी धार्मिक आयोजन का निमंत्रण पत्र है उस पर ब्रह्मा जी का चित्र है, तो आप यकीन मानिए आपका बृहस्पति ग्रह खराब हो जाएगा,
जब वो धार्मिक निमंत्रण पत्र कबाड़ हो जाएगा या उसकी बेकदरी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने वितरण किया है तो पाप पुण्य के भागी भी आप हैं। वो भी है जो खराब कर रहा है, लेकिन वितरण आपने किया, मूल जड़ आप है। उसके बाद सूर्य, सूर्य के जो देव हैं वो विष्णु। अब कोई धार्मिक आयोजन विष्णु भगवान से जुड़ा है तो वो निमंत्रण पत्र अगर विष्णु भगवान का चित्र है, वह जब उसकी बेकदरी होगी, वो पैरों में आएगा, कबाड़ में जाएगा, तो उसका दोष आपको लगेगा, आपका सूर्य ग्रह खराब। उसके बाद बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा के पूज्य देव है भगवान शिव। अब जिस भी निमंत्रण कार्ड पर भगवान शिव का चित्र होगा, वो जब बेकदरी का शिकार होगा तो उसका दोष आपको, आपका चंद्रमा खराब। फिर बात आती है माँ लक्ष्मी की, जिस चित्र पर, जिस निमंत्रण पत्र माँ लक्ष्मी की चित्र होगा, वह जब बेकदरी होगी, कबाड़ में जाएगा, तो आपका शुक्र ग्रह खराब हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आती है बारी हनुमान जी की। हनुमान जी यानी कि मंगल ग्रह, जब ये चित्र खराब होगा, लोगों के पैरों में जाएगा, कबाड़ में जाएगा, बेकदरी होगी, तो आपका मंगल ग्रह खराब। माँ दुर्गा यानी कि बुध ग्रह, बुध ग्रह का चित्र जब रुलेगा निमंत्रण कार्ड के ऊपर, बेकदरी होगी, तो आपका बुध ग्रह खराब। शनि भैरव महाराज, भैरव महाराज का चित्र किसी धार्मिक आयोजन के कार्ड के ऊपर है तो उसकी जब बेकदरी होगी तो आपके शनि देव खराब। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती का चित्र जिस भी धार्मिक आयोजन के कार्ड पर होगा, जब उसकी बेकदरी होगी, वो कबाड़ में जाएगा, तो आपका राहु देव खराब। गणेश जी महाराज, इनका चित्र जब किसी धार्मिक आयोजन के कार्ड पर होगा, तो उस कार्ड की जब बेकदरी होगी तो आपका वह केतु ग्रह खराब। अब मान लीजिए कोई धार्मिक आयोजन है, अब करना तो है, निमंत्रण पत्र तो देना, आप क्या करें? देखिए, दीजिए, मैं रोकता नहीं आपको, लेकिन कभी भी किसी भी धार्मिक देवी देवता का चित्र मत लगाइए और कोई मंत्र उसके ऊपर मत लिखिए, क्योंकि उसके पाप पुण्य के भागी आप भी बनेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। मान लीजिए अब आपके पास कोई कार्ड पड़ा है, उसका क्या करें? पानी में उसको डिप कर दीजिए, थोड़े दिनों में वो गल जाएगा। घर में हर किसी के गमला होता ही है, थोड़ी सी उसमें मिट्टी खोद लें, या आपके पार्क में कोई मिट्टी होगी, ठीक है ना, जहां पर किसी के पैर न डलते हों, वहां पर वो धार्मिक चित्र पूरी तरह से ऐसे मलने के बाद जब वो गल जाए तो उसको वहां पर दबा दें, इससे इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। और आगे से ध्यान रखें, किसी भी देवी देवता का चित्र, किसी भी निमंत्रण पत्र, विवाह के कार्ड, किसी भी धार्मिक आयोजन, घर की किसी खुशी में ना छपवाएं, मन में श्रद्धा रखें, आप कहीं ना कहीं नहीं तो पाप के भागी बन जाएंगे। ऐसी आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लोगों की जागरूकता के लिए इसे शेयर करें, ताकि लोगों तक स्टीक व सही जानकारी पहुंचे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।